हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम ऑन द टाइटेनियम क्लासेस. आई एम एमडी इमरान फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल चैनल टाइटेनियम क्लासेस. और स्वागत है आप सभी लोगों का इस आपके चैनल पर. यह आपका अपना चैनल है जिस पर हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए हैं. और मैंने जैसा कि पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि क्लास नाइन्थ की मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें स्टार्ट करना था, जिस पे हमने सरफेस को भी आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, एरिया को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. आवश्यक हो सकता है कि आपको आया हो सकता है आपको समझ में नहीं आया. तो जिनको समझ में आ गया बढ़िया है, और जिनको नहीं समझ में आया बहुत बढ़िया है. आज हम फिर मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे इस बात को समझने की. तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. मैंने पहला वीडियो जब अपलोड किया उसके बाद बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि फिर मैं पढ़ाऊं क्या इसके बाद, क्योंकि मैंने यह वादा किया था कि बेस्ट कंटेंट मैं अपलोड करूंगा. तो फिर मुझे यह पता चला, टीचरों के माध्यम से कई लोगों से बात की मैंने, तो पता चला कि इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक जो बहुत जरूरी होता है लेकिन लोग स्किप कर जाते हैं, मैंने वो पढ़ाने का निर्णय लिया है. उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आएगा आगे चल के भी ये आपको समझ में आ जाएगा. थंबनेल आप देख लेंगे, इसकी थंबनेल क्या है. तो मैंने जो डिसीजन लिया, जो टॉपिक पढ़ाने का मैंने डिसीजन लिया, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन. डायमेंशन 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 अगर हम बात करें तो ये दो जगहों पर इस्तेमाल करी जाती है. एक फिजिक्स के बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मैथमेटिक्स के बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं. मैथमेटिक्स डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको फिजिक्स वाले भी इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी इस्तेमाल करते हैं. फिजिक्स में जब डायमेंशन बोला जाता है तो इसका मतलब होता है पावर, मीजर करने के लिए जो हमने लिया है उसकी पावर. आगे हम फिजिक्स के जब लेक्चर्स अपलोड करेंगे 11th के, तब हम आपको बताएंगे. फिलहाल यहां जिस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं वो डायमेंशन है मैथमेटिक्स की. और जब हम मैथमेटिक्स में डायमेंशन की बात करते हैं, देन द मीन्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन. डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा. डायरेक्शन कितनी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वही उसकी डायमेंशन होगी. अगर हम दिशा में एक जा रहे हैं तो फिर उसकी एक डायमेंशन होगी. अगर हम दिशा में दो जा रहे हैं, दो दिशाओं में जा रहे हैं, तो उसकी दो डायमेंशन होगी. अगर हम तीन दिशाओं में जा रहे हैं उसकी तीन डायमेंशन होगी. अगर हम चार दिशाओं में जा रहे हैं उसकी चार डायमेंशन होगी. अब आप परेशान हो गए एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, चार डायमेंशन, कितनी डायमेंशन होती हैं. अभी आपके सिलेबस में सिर्फ थ्री डायमेंशन तक पढ़ना है आपको, तीन डायरेक्शन आपको जाननी है. बच्चों मैं ये कह रहा था डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन. अब मैं कह रहा था जितनी डायरेक्शन में जाना पड़े, सवाल है, सामने से बच्चा पूछेगा, प्रश्न करेगा, और अगर नहीं करेगा तो करो कि कहां जाना है. तो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी शेप को, किसी भी ज्योमेट्री को मीजर करने के लिए आप जितनी डायरेक्शन में अपना फीता, अपना इंची टैप, अपना मीजर इंस्ट्रूमेंट रखें, नापने का सामान रखें, नपना रखें, उस डायरेक्शन को, उस स्थिति को बोला जाता है कि हमने एक बार रखा तो एक डायमेंशन, दो बार हमने अपना इंची टेप रखा, फीता रखा, यूनिट की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लाए थे उसको रखा तो दो डायमेंशन, तीन बार रखा तीन डायमेंशन, चार बार रखा चार डायमेंशन.
देखो इंग्लिश पे ध्यान मत देना, मेरी इंग्लिश यूके की है, मैंने यूके से इंग्लिश पढ़ी है। अरे भाई यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। ओके सो डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, एक हमने एक ऐसा छोटू सा एक पॉइंट बना लिया और इसका कोई नाम दे दिया हमने, मान लो ए नाम का एक पॉइंट है। अब जरा सोचो कि इसको नापने के लिए हमें कितनी दिशाओं में जाना पड़ेगा। जवाब मिलेगा, सर इसको नापने के लिए हमें किसी दिशा में नहीं जाना पड़ेगा, हम कोई डायमेंशन जाएंगे ही नहीं, ना तो हम अगल जाएंगे, ना तो हम बगल जाएंगे, ना तो हम ऊपर जाएंगे, ना तो हम नीचे जाएंगे, ना अग्गा जाएंगे, ना पीछा जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे इसको नापने के लिए। मतलब तुम डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसा नो डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, किसी डायरेक्शन में नहीं घूम रहे हो, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये जीरो डायमेंशन का है। तो इसके बगल एक छोटू सा लिख देते हैं जीरो डी, डी फॉर डायमेंशन, मतलब पॉइंट को नापने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना लेफ्ट ना राइट ना अप ना डाउन ना फ्रंट ना बैक। ओके अब हम जरा इन दो जीरो डायमेंशन वाली चीजों को लेते हैं। दो पॉइंट हमने ले लिए, एक पॉइंट का नाम ए, दूसरे पॉइंट का नाम बी, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट हमने ले लिया। दिस इज जीरो डायमेंशन, दिस इज ऑल्सो इन जीरो डायमेंशन। तो अब जब हम तो जीरो डायमेंशन वाली चीजों को मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, तो जरा देखिए इसको नापने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है या राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है। अब बच्चा परेशान, सर ऐसे भी तो मिला सकते हैं, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, ए यहां बी यहां, इसको इधर तो मिला सकते हैं। मैं बोलूंगा बच्चा बिल्कुल मिला सकते हैं, देर मत कर, इसको नापने के लिए एक बार नीचे जाना पड़ सकता है या तो इधर से जाना पड़ सकता है। ओवरऑल देखो इसको नापने के लिए भी आप एक बार आपने डायरेक्शन का इस्तेमाल किया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये और ये दोनों की दोनों किसमें, मैं इधर बना देता हूं, ओके ये और ये दोनों की दोनों किसमें हैं, ये और ये दोनों की दोनों हैं वन डायमेंशन में, एक डायमेंशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने अगली बात पे। जब हम इसी जीरो डायमेंशन वाली को दो बार इस्तेमाल करके जोड़ा तो वन डी आ गया। अब जरा दिमाग लगाइए, ये एक लाइन सेगमेंट वन डी में है, यस सर, ये एक लाइन सेगमेंट वन डी में है, यस सर, ये एक लाइन सेगमेंट वन डी में है, यस सर, ये एक लाइन सेगमेंट वन डी में है, यस सर। तो जब हम वन डी वन डी वन डी वन डी को ऐड करते हैं मिनिमम टू टाइम्स, मैक्सिमम टाइम जितनी बार जाना चाहो, तो जब हम वन डायमेंशन को ऐड करते हैं, वन डायमेंशन वाले को, ये वन डी है, ये वन डी है, तो जब देखो जरा ध्यान से देखो, इसको मापने के लिए, इसको मीजर करने के लिए आपको एक बार लेफ्ट में जाना पड़ेगा और एक बार राइट में जाना पड़ेगा। बच्चा परेशान, फिर तो इधर आ रहे हैं, तो हुआ तो वही भाई, राइट टू लेफ्ट आए और यहां अप टू डाउन आए, तो ये तो मैं पहले ही गया था, लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं, डायरेक्शन तो एक ही है। अप टू डाउन जाऊं, डाउन टू अप जाऊं, डाउन टू अप जाऊं, अप टू डाउन जाऊं, डायरेक्शन तो वही है। तो ये जो है वन डी और वन डी को मिला के ये जो बना, इसको हम बोलते हैं टू डी फिगर। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं 2D फिगर, 0D, 1D फिगर, 1D फिगर। और इसको, इसका एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट एंड रे भी बोल सकते हो आप, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो 2D फिगर बना, इसमें हम कह सकते हैं रेक्टेंगल आता है हमारा, और जब हम सारी साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर इज आल्सो 2D, रेक्टेंगल इज आल्सो इन 2D,
rectangle is also in 2D, and triangle which is also in 2D, circle, ठीक है, जितने भी पॉलीगन होते हैं ट्राइंगल के बाद, ट्राइंगल चार साइड वाले, पांच साइड वाले, पेंटागोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेक्टागोनल, ऑक्टागोनल, नानागोनल, डेकागोनल, अनडेकागोनल, डूडेकागोनल, ये जितने भी होते हैं, उसके बाद सर्किल, सबसे लास्ट पॉलीगन जो है हमारा सर्किल होता है, और सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्राइंगल होता है। ये हम बात करेंगे बाद में, हाई स्कूल में हमारा टॉपिक बनेगा ये। बहरे कैफ, अभी हमें जानकर अच्छा लगा कि 2D मतलब ये होता है कि जिनको मापने के लिए हम दो डायरेक्शन में चले, जैसे हमारा बोर्ड, इसको मापने के लिए एक बार फीता यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, एक बार यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, राइट। तो इधर से इधर गए एक डायरेक्शन, इधर से इधर गए दूसरी डायरेक्शन, ये 2D है बच्चों, ये 2D है। जब भी हम कोई भी आकृति अगर अपनी कॉपी पे बना रहे हैं, अपने बोर्ड पे बना रहे हैं, और वो आकृति कंप्लीट हो जा रही है, हमें उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसका मतलब वो जो आकृति है, वो जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री 2D की है, सही है, चलेगा, ओके। नाउ अब अगर इसी में हमने लेंथ देखा, ब्रेथ देखी, अब अगर इसी में मैं हाइट को भी इंक्लूड कर लूं, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू, आई होप ये साइट आपको विजिबल होगी। तो यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जैसे अगर मैं 2D वाले को, 2D वाले को इसको उठाऊं, और खूब ढेर सारे को उठा के एक के ऊपर 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 रखता जाऊं, एक के ऊपर रखता जाऊं, तो अगर मैं एक 2D वाले को, सपोज मेरे पास, मैं सेंचुरी पेपर दिखाता हूं आपको, ये दिस वन, इसको अगर हम मीजर करना चाहेंगे तो हम इधर जाएंगे वन डायरेक्शन में और इधर जाएंगे। आप देखो ना, आप एक बार लेफ्ट टू राइट गए और एक बार डाउन टू अप गए, नीचे से ऊपर गए, लेफ्ट से राइट गए, दो ही डायरेक्शन में गए, 2D है। अब अगर मैं इस 2D का इस्तेमाल करूं, एक 2D, एक सेकेंड ना, ये सारे 2D का इस्तेमाल करूं, जरा देखो फिर क्या होगा, एक 2D, दूसरा 2D, ये 2D के ऊपर 2D, 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 ये 2D, 2D, बहुत सारा 2D हमने रख दिया, देखो एक ये 2D है ना, ये बहुत सारे 2D है, ये बहुत ढेर सारे 2D, 2D प्लेन को, 2D फिगर को, हमने बहुत सारे 2D फिगर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। एक सेकंड, अलग सर के नोट भी रख देते हैं इस पर, क्यों बची रही है। सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अलक पांडे, फिजिक्स वाला, और फिजिक्स मैंने वहीं से पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। जिसको भी फिजिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना, जाके सर के पास चरणों में गिर जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं क्या कह रहा था, 2D फिगर को हमने खूब ढेर सारा इकट्ठा कर लिया। अब जब हमने 2D को बहुत ढेर सारा इकट्ठा कर लिया, फिर क्या आ गया, लेंथ, और इसके बाद ये ब्रेथ। अब देखो जरा ना, मोटा हो गया भाई, अब मीजर करने के लिए इससे काम नहीं चलेगा कि हम इधर चले जाएं और इधर चले जाए, काम चल जाएगा। अब हमें इसको भी इधर करना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, और ये हो गई तीसरी डायरेक्शन। समझे कि नहीं समझे, बुझला कि ना है? समझ में आ गया? तो फिर जब हम ऐसी कोई शेप लेके आते हैं जिसमें हमें लेंथ को मीजर करना पड़ता है, जिसमें हमें विड्थ को मीजर करना पड़ता है, और साथ ही साथ जिसमें हमें हाइट को मीजर करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं 3D फिगर। एंड सबसे बड़ी पहचान, 3D फिगर को इस पे बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, 3D फिगर को प्लेन पेपर पे नहीं बनाया जा सकता। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बनाते तो हैं, सिलेंडर हम बना देते हैं, हम प्रिज्म को बना देते हैं, हम क्यूबॉइड बना देते हैं, वो बना देते हैं, बनाया, बनाने में आसानी नहीं होती। जैसे हमने रेक्टेंगल झूं 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 कर दिया, बन गया, ऐसे बनता नहीं है। वो टीचर हमें समझाता है, एक आगे, एक ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, 3D फिगर लगता है, बट एक्चुअली 3D फिगर नहीं, बस समझ में आता नहीं, बना पाते हम उसे। आई होप
आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से क्या करता हूं, एक बार इसको पूरे को एक्सप्लेन किए देता हूं। डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन, बस डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। इसमें और कुछ ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनानी इसकी। डायमेंशन बोले तो मैथ में डायरेक्शन, फिजिक्स की डायमेंशन की हम बात नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन जैसे ही फिजिक्स में जाएगी इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। तो डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन। अगर किसी को नापने के लिए हम किसी डायरेक्शन में नहीं गए, मतलब वो जीरो डायमेंशन में है। अगर हमने एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब वो 1D है। अगर हमने दो डायरेक्शन का इस्तेमाल किया, दो डायरेक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब वो 2D है। और अगर हमने तीन डायमेंशन का इस्तेमाल किया, जैसे हमारी कॉपी, तो इसको नापने के लिए ये, ये और ये तीनों के इस्तेमाल हमने किया, तीन डायरेक्शन में हम चले, तो ये होता है 3D। मैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अन्यथा इसकी PDF नोट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। वादा है आपसे कि जब तक इस चैनल पर मैथ को इजी करने वाले वीडियोस न डाल दिए जाएंगे, तब तक दम नहीं लिया जाएगा, तब तक विश्राम नहीं किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये खूबसूरत से कंटेंट समझ में आ रहे होंगे, सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख रहे होंगे और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे होंगे, उम्मीद है आप सब लोग मोहब्बत से इसको पढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जज्बे के साथ पढ़ते रहिए, सोना बंद कीजिए, रात दिन हमारे साथ आके पढ़िए, मैथ को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके लिए इजी कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।